हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल के बारे में, जहां पे ये सवाल पूछा गया था कि इज इट गेम ओवर फॉर मंडल पॉलिटिक्स। ये आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, जहां पे सवाल ये पूछा गया था कि 30 साल हो चुके हैं मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किए हुए, क्या ये मंडल पॉलिटिक्स का अंत है। इस आर्टिकल को लिखा है रिनोन्ड पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफी जैफरलो ने। तो हम लोग देखेंगे कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड आफ्टर द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन, और आज की जो सिचुएशन है, और एक अनुमान लगाएं कि आगे चल के मंडल पॉलिटिक्स का क्या होगा या क्या होने वाला है। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल सायगांवकर। आप मुझे इन आईडी से फॉलो कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल भी, जहां पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई पुट एमसीक्यूज एवरी डे हियर विच विल बी वेरी हेल्पफुल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्टडी आईक्यू हैज ब्रॉट फिल्म्स एंड मेंस कोर्स फॉर यू फॉर 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिजर्वेशन इन इंडिया किस आर्टिकल से, किस कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट से आता है। सबसे पहले तो हम लोग जब रिजर्वेशन की बात करेंगे, ये हमको मिलेंगे अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 15 में आप देख सकते हो कि इट इज अ राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ऑल्दो ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, लेकिन उसके सब क्लॉजेस में बताता है कि आप किन सारे रीजंस के लिए डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। और आर्टिकल 16 में क्लियरली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रावधान लिखे गए हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी रिजर्वेशन के बारे में बात होगी, इफ इट इज रिलेटेड टू योर जॉब, इट इज ऑलवेज अंडर आर्टिकल 16। बट इफ इट इज रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम जॉब, याद रखिएगा, गवर्नमेंट जॉब के अलावा किसी चीज के लिए रिजर्वेशन अगर बात चल रही है, तो वो होगा आर्टिकल 15 में। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको रिजर्वेशन मिल रहा है लेजिस्लेचर में, पंचायत इलेक्शन में, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन में, आपको रिजर्वेशन मिल रहा है ओबीसी के लिए, आपको रिजर्वेशन मिल रहा है आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, आपको रिजर्वेशन मिल रहा है वुमेन के लिए। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है पंचायत राज इलेक्शन में, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन में महिलाओं के लिए स्पेशल डिब्बे होते हैं ट्रेन में। किस आर्टिकल की सपोर्ट से बना है, दैट इज ऑल फ्रॉम आर्टिकल 15। जब भी आप आर्टिकल 16 की बात करो, इट इज ओनली फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए देखते हैं हमारे देश में रिजर्वेशन की हिस्ट्री क्या रही है। अगर आप रिजर्वेशन की हिस्ट्री देखोगे, सबसे पहले रिजर्वेशन का जो एक प्रावधान लाया था वो 1891 में था। महाराजा ऑफ कोल्हापुर जो शाहू महाराज थे, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ओबीसी के लिए एक रिजर्वेशन दिया था, उसको इवेंचुअली 1902 में इंप्लीमेंट कर दिया गया था। उसके बाद 1921 में जस्टिस पार्टी की डिमांड पे, इनफैक्ट अगर हम इंडिया में रिजर्वेशन का जो पायनियर मानते हैं, दैट वुड बी जस्टिस पार्टी फ्रॉम मद्रास, जिनके डिमांड के ऊपर ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था, ओबीसी एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया था। उसके बाद तो आप देख सकते हो कि ब्रिटिश सरकार ने कंटिन्यूअसली रिजर्वेशन या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स को दिया है। बहुत सारे उनके एक्ट्स में 1909, 1919, 1932 के अवार्ड है, कम्युनल अवार्ड है, फिर 1935 एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स में उन्होंने कंटिन्यूअसली रिजर्वेशन की बातें की है। ये तो हो गई बातें ब्रिटिश सरकार के दौरान या फिर इंडिपेंडेंस के पहले। इंडिपेंडेंस के बाद भी काफी ज्यादा रिजर्वेशन के प्रोविजंस आए हैं। फॉर एग्जांपल 1954 में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उन्होंने 20% रिजर्वेशन लाया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। याद रखिए ये कैसे होगा, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 15 अगेन। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एससीज और एसटीज के लिए रिजर्वेशन लाया गया, और उनकी कट ऑफ भी कम कर दी गई, 5% कम कट ऑफ रखी गई उनके लिए। उसके बाद 1955 में सरकार ने काका कालेलकर कमीशन का गठन किया। काका कालेलकर कमीशन ने काफी सारे रिकमेंडेशंस दी, लेकिन उसके ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 1982 में सरकार ने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया, पहले 20 था, अभी 22.5 हो गया एससी एसटीज के लिए, एससीज और एसटीज का सेपरेट कर दिया गया इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर जॉब्स ऑल्सो एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी एससीज एसटीज के लिए। लेकिन अभी तक ओबीसी की कोई डिस्कशन नहीं हो रही थी। ओबीसी का डिस्कशन शुरू हुआ 1979 में, जब जनता पार्टी विच वॉज हेडेड बाय मोरारजी देसाई एट दैट टाइम, उन्होंने मंडल कमीशन का गठन किया। मंडल कमीशन का जो जॉब था वो था कि इंडिया में अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में आप जानिए और आप उनके बारे में रिकमेंडेशन कीजिए कि क्या उनके लिए प्रावधान लाने चाहिए, इज रिजर्वेशन नेसेसरी फॉर दोज पीपल। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में ही सबमिट कर दी गई थी, लेकिन 10 साल तक, एक दशक तक उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन इवेंचुअली 1992 में मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट कर दिया गया। इसको इंप्लीमेंट किया था वीपी सिंह सरकार ने। जैसे इंप्लीमेंटेशन हुई, उसके बाद इंडिया का एंटायर एक पॉलिटिकल सिनारियो बदल गया। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले मेनली फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। तो चलिए हम लोग डिस्कशन पे वापस आते हैं, जो आर्टिकल का डिस्कशन है उस पे। इस आर्टिकल के तहत क्रिस्टोफी जैफरलो कहते हैं कि आज 30 साल हो चुके हैं जब प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह उस समय के, उन्होंने एक पेंडोरास बॉक्स ओपन कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट कर देंगे। तो तब से लेकर एक
साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू हो गया और इवेंचुअली 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया था, लेकिन इसकी इसकी जो डिबेट शुरू हो गई थी वो 1990 से ही शुरू हो गई थी। तो जैफर लॉ कहते हैं कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू हो गया। इस साइलेंट रेवोल्यूशन में क्या हुआ? इस साइलेंट रेवोल्यूशन में दो चीजें हुई। एक तो चीज हुई सोशल इमैन्सिपेशन, मतलब जो पिछड़े हुए वर्ग थे उनकी कुछ इमैन्सिपेशन हुई, क्योंकि उनके पास अभी जॉब्स आना शुरू हो गई, उनके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन आनी शुरू हो गई, तो उनकी खुद की स्टेटस बढ़ने लगी। इसके अलावा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से जैफर लॉ कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पावर राइज हुआ, पॉलिटिकल पावर पहुंच गया प्लेबियंस के पास। प्लेबियंस मतलब कॉमन पीपल। तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर राइज हो गया, ओबीसीज का पॉलिटिकल पावर राइज होना शुरू हुआ एट द एक्सपेंस ऑफ अपर कास्ट एंड डोमिनेंट कास्ट। तो चलिए इस चीज को देखते हैं कि किस तरह हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्यों एग्जैक्टली ओबीसीज का पॉलिटिकल पावर राइज हुआ? सबसे पहले तो जैसे ही मंडल कमीशन या मंडल मूवमेंट शुरू हुआ, जहां पे मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट करने की बात शुरू हुई, तो इमीडिएटली एक अपर कास्ट से मोबिलाइजेशन शुरू हुआ। अपर कास्ट ने कह दिया कि रिजर्वेशन क्यों चाहिए। आपने देखा होगा कि आरक्षण क्यों, इस तरह के प्रोटेस्ट शुरू होने लगा। और ये पिक्चर मैंने जानबूझ के ब्लैक एंड व्हाइट की हुई है, थोड़ा सा ग्राफिक इमेजेस है इसमें, जहां पे दिस पर्सन राजीव गोस्वामी फ्रॉम देशबंधु कॉलेज काफी फेमस हो गए थे उस टाइम पे, उन्होंने सेल्फ आइसोलेशन की कोशिश की थी, खुद को जलाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि आरक्षण नहीं लाना है, आरक्षण से देश का बंटवारा हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा चल रही थी। तो जैसे ही अपर कास्ट की मोबिलाइजेशन शुरू हुई, तो उसी के साथ ही साथ ओबीसी का भी कंसोलिडेशन शुरू हुआ। ओबीसी ग्रुप्स ने देखा कि अपर कास्ट इसके खिलाफ क्यों है, हमारे पास राइट्स नहीं है, हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारी सोशल स्टेटस उतनी अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी अपर कास्ट इसके खिलाफ क्यों कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो इनकी जो अपर कास्ट मूवमेंट शुरू हुई थी नो आरक्षण के खिलाफ, उसको लेकर ओबीसी का कंसोलिडेशन शुरू हुआ और इसका रिजल्ट आया पॉलिटिकल गेम में। और जैफर लॉ कहते हैं इसके बाद ओबीसी स्टॉप्ड वोटिंग फॉर अपर कास्ट। तो 1992 के बाद ओबीसी का जो वोट शेयर था या उनकी वोट थी वो अपर कास्ट को नहीं जा रही थी, और इसका नतीजा आप देख सकते हैं क्लियरली यहां पे। जब आप देख सकते हो कि अपर कास्ट की जो नंबर ऑफ सीट्स थी पार्लियामेंट में, दैट वाज 47% इन 1984, लेकिन दो ही दशकों में 2004 में इट केम डाउन टू 33%। क्यों? क्योंकि आप ओबीसी का वोट गार्नर नहीं कर पा रहे। और साथ ही साथ ये भी देख सकते हो कि ओबीसी का राइज हो रहा है। ओबीसी शुरुआत में केवल 11% ओबीसी थे पार्लियामेंट में 1984 में, लेकिन आप देख सकते हो कि 2004 में ये बढ़कर 25% तक पहुंच गए हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ओबीसी का पॉलिटिकल पावर राइज हो रहा है और अपर कास्ट का पॉलिटिकल पावर डाउन हो रहा है। तो क्या ये ट्रेंड अभी भी जारी है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि मंडल मूवमेंट की वजह से एक मंडल मोबिलाइजेशन शुरू हो गया, ओबीसी मोबिलाइजेशन शुरू हो गया, एक रिवर्स मोबिलाइजेशन भी शुरू हो गया था कमंडल पॉलिटिक्स का। तो जैफर लॉ कहते हैं कि कमंडल पॉलिटिक्स की वजह से, स्पेशली कमंडल पॉलिटिक्स मींस एन अपर कास्ट काउंटर रेवोल्यूशन, जो साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू हुआ था ओबीसी का, उसके लिए काउंटर रेवोल्यूशन शुरू हुआ स्पेशली अपर कास्ट की तरफ से, और इसके जो वैनगार्ड थे वो है भारतीय जनता पार्टी। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा लाया, एक तो हिंदू राष्ट्र का, हिंदुत्व का एटसेट्रा, विच वॉज ट्रांसेंडिंग कास्ट बाउंड्रीज। तो ओबीसी मोबिलाइजेशन को ब्रेक करने के लिए हिंदुत्व का एजेंडा वॉज वेरी वेरी एफिशिएंट। उसके साथ ही साथ जो कि एक एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी कुछ हद तक ओबीसी की मोबिलाइजेशन को ब्रेक करने में काफी सफल रहा है। वो कहते हैं कि 2014 में प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट बने नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी खुद ही एक आरएसएस के नुमाइंदे हैं, और ही हिमसेल्फ बिलोंग टू ओबीसी कास्ट, विच हैज ऑल्सो हेल्प्ड इन ब्रेकिंग दी ओबीसी मोबिलाइजेशन विच टुक प्लेस फ्रॉम 1984 टू 2004। चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। और अगर आप देखोगे कि 2019 के इलेक्शन के बाद क्लियरली रिपोर्ट्स आने लगी कि बीजेपी हैज कंसोलिडेटेड अपर कास्ट वोट, मतलब अपर कास्ट के वोट्स ऑलरेडी थे, उन्होंने ओबीसी और एसटी की भी जो मोबिलाइजेशन थी यूनिटी, तो उसको ब्रेक किया और वहां से भी वोट्स गार्नर किए। अगर आप देखोगे यहां पे रिजल्ट्स, अपर कास्ट के वोट तो काफी बड़े हुए हैं, लेकिन आप इस चीज को देखिए अपर ओबीसी और लोअर ओबीसी में 2014 और 2019 के इलेक्शन में वोट शेयर ऑफ बीजेपी विद रिस्पेक्ट टू दीज कम्युनिटीज हैज गॉन अप। ये क्लियरली शो करता है कि जो ओबीसी मोबिलाइजेशन हुआ था, जो ओबीसी यूनिटी हुआ था, उसको कहीं ना कहीं 2014-2019 में बीजेपी हैज बीन एबल टू ब्रेक इट एंड गार्नर वोट्स इवन फ्रॉम ओबीसीज इन द नेम ऑफ हिंदुत्व। तो आप हर जगह देख सकते हो इसका मेजर इंपैक्ट कहां पे हुआ है। इसका मेजर इंपैक्ट हुआ है हिंदी हार्टलैंड में, क्योंकि जब आप बात करोगे ओबीसी मोबिलाइजेशन का, इट इज मेनली विजिबल इन हिंदी हार्टलैंड, जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान,
इन सारे स्टेट्स में जो हिंदी हार्टलैंड हिंदी बेल्ट है वहां पे ओबीसी मोबिलाइजेशन काफी हुआ था, हिंदी हार्टलैंड से काफी ज्यादा सीटें आ गई थी पार्लियामेंट में, लेकिन वो अभी कम होती हुई दिख रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट इज इन दीज एरियाज। इसका मतलब ये नहीं है कि ओबीसी पॉलिटिक्स वॉज नॉट इन अदर एरियाज, ओबीसी पॉलिटिक्स वॉज वेरी प्रोमिनेंट, बट रिजल्ट्स हिंदी हार्टलैंड में काफी हद तक पॉजिटिव रहे थे 1984 से 2004 तक, और अभी एक रिवर्स ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो अभी आप देख सकते हो जो कास्ट प्रोफाइल है अभी की जो लोकसभा का 17वीं लोकसभा का, तो उसमें अपर कास्ट के लोग हैं 232। अगर आप इसको देखो तो दिस इज क्लोज टू 43%, मतलब 2004 से 10% ऊपर बढ़ चुका है। तो हम लोगों ने जो ग्राफ देखा था ओबीसी का अप हो रहा था और अपर कास्ट का डाउन हो रहा था, अपर कास्ट हैज अगेन स्टार्टेड टू गेन बैक एंड ओबीसी हैज सीन अ मार्जिनल डिक्रीज, जहां पे यू विल सी दे हैव गॉन डाउन टू 22%। तो समवेयर द डिक्लाइन हैज स्टार्टेड। तो सवाल ये पूछते हैं क्रिस्टोफी जेफरलो, इज इट गेम ओवर फॉर मंडल पॉलिटिक्स? तो मंडल पॉलिटिक्स वॉज बेस्ड ऑन ओबीसी यूनिटी एंड ओबीसी मोबिलाइजेशन, एंड इफ द बीजेपी इज एबल टू ब्रेक इट, तो क्वेश्चन ये उठता है क्या मंडल पॉलिटिक्स खत्म हो चुका है? इज इट गेम ओवर फॉर मंडल पॉलिटिक्स? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यूपी में भी जहां पे एक महागठबंधन बन गया था उसको भी ब्रेक किया, एंड यूपी में भी बीजेपी सरकार है अभी यूपी स्टेट इलेक्शंस में, लेकिन इसका जवाब तो आने वाला समय ही बता सकता है। लेकिन जेफरलो क्लियरली कहते हैं कि नहीं, नॉट नेसेसरली, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि ओबीसी का जो कोटा प्रॉमिस किया गया था 1990 में दैट वॉज 27%, और वो कहते हैं कि उसको फुलफिल अभी तक नहीं किया गया। उनका यह कहना है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में देखो, ये ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी तीनों मिला के भी अभी भी केवल 17% ओबीसी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो कम से कम 10% अभी और बाकी है। तो जब तक ये 10% पूरा नहीं होगा हम ये नहीं कह सकते हैं कि मंडल पॉलिटिक्स खत्म हो चुका है। तो ये अभी आने वाला समय ही बताएगा कि ये प्रेडिक्शन सही है कि देयर वुड बी ओबीसी मोबिलाइजेशन अगेन, और विल देयर बी अगेन अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द अपर कास्ट रेवोल्यूशन, तो ये आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं डिस्कशन। धन्यवाद। जय हिंद।